अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पीएम के कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर की हाई प्रोफाइल यात्रा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण सड़कों और जंक्शन पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री श्रीनगर में एक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के पिछले हिस्से में होगा। उपराज्यपाल प्रशासन ने यात्रा के लिए पहले से ही बड़े पैमाने पर इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 आतंकी हमलों के बाद डीजीपी आरआर स्वैन हालात का जायजा लेने कठुआ के सीधा सोहाल गांव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठियों को पनाह देने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी। ने कहा कि जो लोग पनाह देते हैं उन्हें भी कुचला जाएगा। डीजीपी आरआर स्वैन ने कहा कि उनके साथ भी अब कड़ी सख्ती बरती जाएगी। हमारे सुरक्षा बल ऐसे प्रयासों को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ने कहा कि लोग भी सतर्क रहें और ऐसी संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं। डीजीपी ने कहा कि अब गिने चुने ही आतंकी रह गए हैं, अब चूहों की तरह जहां तहां घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है। जम्मू में आतंकी हमलों पर बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, मौजूदा हालात चिंताजनक हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अंदरूनी हालातों से वाकिफ होना चाहिए और छिपने की बजाय लोगों के सामने आना चाहिए। जब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं तो वे कहते हैं कि हालात अच्छे हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे चुप रहते हैं। गुलाम अहमद मीर ने ये बातें आज ओमोह वेरीनाग स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। पनन कश्मीर द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने जम्मू कश्मीर के हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से आतंकी हमले हो रहे हैं, इससे हालात ठीक नहीं लग रहे और दूसरी तरफ सरकार सब सामान्य है का दावा कर रही है। ने कश्मीर घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों और वहां आ रहे पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की मांग की और कुछ समय के लिए कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज को वापस जम्मू बुलाने को कहा। प्रधानमंत्री को अहंकारी कहे जाने वाले बयान पर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने प्रधानमंत्री को अहंकारी कहे जाने पर रोष जताया। ने कहा कि गणवेशधारी अहंकारी नहीं हो सकता। ने कहा प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए देश सर्वोपरि है और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग सही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में आज जम्मू में एससी सेल के कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई और आगे किस तरह काम करना है इस पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन प्रदर्शन पर भी मुबारकबाद दी गई और विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसने के निर्देश दिए गए। ईद उल अजहा के मौके पर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए पोल्ट्री स्टॉक की सेल जगह जगह पर लगाई गई है। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने डिपार्टमेंट द्वारा लगाई गई सेल की जानकारी दी और लोगों से इसका फायदा लेने को कहा। अनंतनाग जिले के आखिरी गांव के निवासियों के लिए आज उस समय एक ऐतिहासिक क्षण आया जब पीडब्ल्यूडी ने हैंगीपुरा सासखुदान सड़क पर निर्माण कार्य शुरू किया। शाहबाद वाला वेरीनाग तहसील के नोगाम नट और सासखुदान गांव के स्थानीय लोगों ने हैंगीपुरा में काम शुरू होने का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना का उद्घाटन डीडीसी सदस्य वेरीनाग पीर शाहबाज ने किया। इस अवसर पर एडब्ल्यू मोहम्मद इकबाल और आरएनबी सब डिवीजन वेरीनाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए पीर शाहबाज ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क की मांग 1947 से लंबित थी। दशकों से विभिन्न राजनेताओं द्वारा कई वादों के बावजूद ग्रामीणों की उम्मीदें अब तक अधूरी रही जो अब जाकर पूरी हुई है। लोगों ने भी इस पर खुशी व्यक्त कर सरकार का शुक्रिया अदा किया।
बांदीपुरा के हाजन मीर मोहल्ला के लोगों द्वारा पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पिछले काफी समय से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और जल शक्ति विभाग उनकी समस्या के समाधान में विफल साबित हुआ है। ने कहा कि अभी ईद भी आने वाली है लेकिन फिर भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा, जिसकी बेहद परेशानी है। लोगों ने उनके क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति करने की मांग की। स्क्वास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर ने बांदीपुरा में कहा कि सरकार कश्मीर घाटी के सीमावर्ती क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर नई फसलों की खेती करने के लिए काम कर रही है। बांदीपुरा में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की 18वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्क्वास्ट कश्मीर के वीसी प्रोफेसर नजीर अहमद गनी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर बढ़ती चुनौतियों को कम करने के लिए वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। इससे पहले वीसीओ डायरेक्टर एक्सटेंशन ने केवी के फॉर्म का दौरा किया और फॉर्म को विकसित करने तथा फॉर्म में विभिन्न इकाइयों की स्थापना के लिए मौके पर ही निर्देश दिए।